हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के सेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त ट्रिक जो कि अपनी एलजेब्रा के ऊपर है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा कि कैसी लगी ट्रिक। 1:30 बजे मेरा CHSL का टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है जो कि वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे चल रहा है। इसको आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तुरंत आपको ये चैनल मिल जाएगा। और 1:30 बजे शार्प एट 1:30 PM आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। शाम को 6 बजे भाई 28 तारीख से अपने पेपर स्टार्ट है, तो मैंने भी बच्चों के लिए तैयारी शुरू करा दी है एकदम। बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अनअकेडमी पे सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे, सुबह 1.5 घंटे की क्लास 10 से 11:30 बजे तक और शाम को 7:30 से 8:30 एक घंटे की क्लास। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकेडमी पे, आप सिर्फ सर्च करिए SSC सेक्शन में प्रबल लवानिया और मेरे को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको पूरी क्लासेस लाइव मिल जाए। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x इक्वल टू √3 + √2 / √3 - √2। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है स्क्वायर रूट दो बार आ रहा है तो दो बार इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तभी एलिमिनेट होगा। एक बार स्क्वायरिंग करोगे एक रूट निपट जाएगा, एक बार और स्क्वायरिंग करोगे तो दूसरा रूट निपटेगा। मतलब बेसिकली x की पावर 4 की वैल्यू आएगी 3 + √2 / 3 - √2। अगर मेरे को x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 निकालना है तो सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालना पड़ेगा। जब इसका मैं स्क्वायरिंग करूंगा तभी आंसर आएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाता है, मैंने कई बार लिखवाया है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b² ये a है आपका, ये b है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर + 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 और 8 17, मतलब ये हो गया 34। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आपको कितना मिल गया, 34। जब आप इस सेशन को देखेंगे ना तो एक बार वीडियो को पॉज जरूर करना और कोशिश करना आपको कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। 34 अगर आपके k का काम कर रहा है तो x की पावर 4 से x की पावर 8 पे कैसे जाएंगे, स्क्वायरिंग करके। और जब किसी को स्क्वायर करा जाता है तो फॉर्मूला आपको भली भांति याद है, k² - 2। तो 34 का स्क्वायर - 2 मतलब 1154 आपके क्वेश्चन का इसका आंसर आ जाएगा। कई बार ये मैं बता चुका हूं, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये थी कि अपने को क्वेश्चन को फोकस इस तरीके से करना था कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में x + 1 / x = √3 + 1/2। देखो इस क्वेश्चन को लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बात का जवाब देना सर, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2.73 / 2 यही आएगा, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है तो इसका डिवाइड देंगे तो डिवाइड देके अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट कुछ 1.3 अप्रोक्स आएगा। और जब मैं इसको, सुनना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इसको पूरा सॉल्व आउट करूंगा, x की पावर 4 ये तो x है, x की पावर 2 लेके जाना है, फिर x की पावर 4 लेके जाना है, तो जैसे जैसे इसको और बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, जो भी आंसर आपका आएगा वो क्या आना चाहिए, लेस देन वन। मतलब लेस देन वन का मतलब वन से कम होना चाहिए और जीरो से भी कम होना चाहिए, मतलब बेसिकली नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप अगर इस पे गौर करते हो, ऑप्शन नंबर ए पे 4√3 - 1/4 नेगेटिव तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव नंबर बना रहा है। 4√3 + 1/2 ये भी पॉजिटिव नंबर बना रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बात सुनना, x की पावर 4 मतलब आपने डबल स्क्वायर करा, x की पावर 4 का मतलब क्या है, x की स्क्वायरिंग करी फिर उसके ऊपर पावर 4 चढ़ाई, तो आपको लगता है जब स्क्वायरिंग वगैरह होगी तो सिर्फ नीचे 2 ही रह जाएगा, नहीं है भाई, पावर में है तो स्क्वायरिंग होने में परफेक्ट स्क्वायरिंग नीचे आना चाहिए। मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव आंसर भी आ रहा है, -4√3 - 1/4 और नीचे 4 आ रहा है इसलिए क्योंकि स्क्वायरिंग होगी तो नीचे 4 आ जाएगा। समझ में आया, जब स्क्वायरिंग होगी तो अकेला 2 नीचे कैसे रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है सी। कोई जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन को फॉलो करने की कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें वैल्यू को इधर उधर करके, नहीं, लॉजिकल वे में सोचो। मैं हर बार बोलता हूं कि 50% ध्यान क्वेश्चन पे, 50% ध्यान ऑप्शन पे। ठीक है, तो अगर ट्रिक अच्छी लगी तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक के साथ, ऐसी ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ डेली आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो। बस सर्च करिए प्रबल लवानिया
और मेरे को फॉलो करिए। फॉलो करने से आपको क्लासेस के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे, एक 10 बजे सुबह क्लास, एक 7:30 बजे। तो कल की 10 बजे की क्लास में, मतलब आज 10 बजे की क्लास में जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा बेहतरीन तरीके से। सर्च करिए प्रबल आनिया और आज ही जुड़िए, ठीक है भाई। और 7 दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो गया, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्रबल सर कोड लगा के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में बेसिक टू हाई लेवल में पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल शानदार नोट्स के साथ, जिसमें एक ग्रुप बनाया है मैंने। उस ग्रुप में डेली आपको दो दो तीन तीन प्रैक्टिस शीट देता रहता हूँ, जिससे जो जो हम पढ़ते जाए वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल इंप्लीमेंट हो पाए। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर 2 शीट आपने कर ली तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी गैदर होगी, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।